हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से साइड विजिट पर। आज हम DRCS के क्वेश्चन करेंगे और उनको समझेंगे अच्छे तरीके से। ये अभी जो बोर्ड पेपर आने वाले हैं 5th सेमेस्टर वालों के डिप्लोमा में, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, एक आयताकार बीम का आकार 300 × 600 mm, 600 mm इसमें प्रभावी गहराई है, को 20 mm व्यास के 4 तनाव इस्पात यानी टेंशन स्टील की छड़ों से प्रबलित की गई है, 90 किलो न्यूटन मीटर के नमन आघूर्ण के कारण कंक्रीट और स्टील में विकसित तनाव यानी स्ट्रेसेस को बताइए। दिया गया है m = 15। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा, जो भी गिवन है। गिवन क्या है इसमें देखते हैं आप। देखिए कि गिवन है इसमें b × d यानी 300 × 600 mm, क्योंकि आपको देखिए दिया गया है 300 × 600 mm प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का है दिया है, जैसे कि ये बीम है, मान लीजिए सेक्शन बीम का सेक्शन है, आयताकार बीम है। तो यहाँ पे स्टील अगर डली है, टेंशन स्टील, तो जो सेंटर है और अपर से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है वो इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है, और टोटल डेप्थ तो यहाँ से यहाँ ऊपर बॉटम टू टॉप ये होती है टोटल डेप्थ। तो ओके, अब आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इतना दिया गया है और आपको दिया है इसमें बेंडिंग मोमेंट। देखिए नमन आघूर्ण, जैसे बोला गया है नमन आघूर्ण 90 किलो न्यूटन मीटर का है, यानी बेंडिंग मोमेंट दिया गया है। बेंडिंग मोमेंट दिया है, यानी कि m = दिया है इसमें 90 किलो न्यूटन मीटर। अब जो m दिया है इसको आप लिख सकते हैं 90 × 10⁶ न्यूटन mm। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील यानी AST, इसको AST से डिनोट करते हैं। AST इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है π/4 × φ² स्क्वेयर। फाई जहाँ पे क्या है, फाई यहाँ पे हमारा जो स्टील प्रोवाइड की गई है, जो बार प्रोवाइड की गई स्टील की उसका डाया है, और इंटू नंबर ऑफ बार्स। ठीक, तो आपको दिखा दें इधर। देखिए इसमें बोला गया है कि इसमें बोला गया है आपको 20 mm, देखिए 20 mm व्यास के 4 तनाव इस्पात की छड़ों से प्रबलित की गई है, यानी कि नंबर π/4 × 20, डायग्राम है 20 mm × नंबर ऑफ बार्स 4। तो अब इसको हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। देखिएगा कैलकुलेटर से सीधा निकल आएगा। आपको पाई लगाने के लिए पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपको यहाँ देखिए पाई दिख रहा होगा, ये देखिए पाई दिख रहा है, पाई दबा दीजिए और डिवाइडेड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई फोर कर दीजिए, तो आपको देखिए वो इक्वल टू कर दीजिए, और इनटू आप इसमें ब्रैकेट लगाइए और 20 लिखिए,
इसका होल स्क्वायर कहाँ से करना है, इसी में है, देखिए ये दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा इतना आ गया इंटू, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ बार चार है, तो हम इसमें इंटू फोर कर देंगे, फोर हो गया। तो अब देखिए 1256.63 कितना आया अपना ए एस टी जो है, यह आया 1256.63 किस में आएगा, एम एम स्क्वायर में, आपका एरिया निकल आया। अब इसके आगे चलते हैं, चलिए देखिए जैसा कि इसमें एरिया निकल आया है आपका। अब आपको करना क्या है, आगे कुछ नहीं करना है, एम इसमें दिया ही है। अब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, एक्चुअल न्यूट्रल आपको निकालनी है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, यानी कि नंबर फर्स्ट आएगी आपकी, जो दिया था वो तो लिख लिया, अब नंबर फर्स्ट पे निकालना है आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, इसको नोट करते हैं एक्स ए से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी और एक मिनट रुकिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए एस टी डी माइनस एक्स ए, ठीक। अब इस फॉर्मूले में आपको बी की और डी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी की वैल्यू आपको दी गई है उसमें 300 mm, 300 कर देंगे इंटू एक्स ए, इंटू एक्स ए क्या हो जाए एक्स ए का होल स्क्वायर अपॉन टू कर देंगे इज इक्वल टू, एम की वैल्यू दी गई है इसमें कितनी